ladies and gentlemen. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डेनियल क्रेग यानी अपने जेम्स बॉन्ड एक्टर की नई फिल्म ग्लास अनियन अ नाइव्स आउट का फिल्म रिव्यू करेंगे जो हाल ही में नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम हुई है। ये फिल्म डिटेक्टिव मिस्ट्री फिल्म नाइव्स आउट का फ्रेंचाइज है जिसमें डेनियल क्रेग बेनोइट ब्लैंक एक मशहूर डिटेक्टिव की भूमिका निभा रहे हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक कोरोना पैंडेमिक के दौरान, जहां पर माइल्स ब्राउन यानी के एडवर्ड नॉर्टन जो कि एक अरबपति हैं, अपने दोस्तों को एक मिस्टीरियस बॉक्स भेजते हैं जिसको सॉल्व करने पे उनको एक इनविटेशन मिलता है एक मर्डर मिस्ट्री वीकेंड के लिए, जहां पर उनके दोस्तों को उनके ही खून की मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी, यानी उनका खून होगा वो कहते हैं, और कातिल इन्वाइटेड गेस्ट्स को ढूंढना होगा। A murder will be committed. My murder. Once you're dead, will we still be able to talk to you? Yeah, I'm not playing dead the whole weekend. काफी इंटरेस्टिंग इनविटेशन है। माइल्स ने अपने सब दोस्तों के अलावा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स पार्टनर एंडी को भी बुलाया है। पहला ट्विस्ट तब आता है जब हमारे डिटेक्टिव बेनोइट ब्लैंक यानी डेनियल क्रेग को भी इनविटेशन बॉक्स मिला है। वो दूर दूर तक माइल्स या उनके दोस्तों में से किसी को भी नहीं जानते, पर कोरोना काल में घर पे पड़े रहने के बजाय जाने का तय करते हैं। सभी कैरेक्टर्स एक्साइटेड हैं ये वीकेंड के लिए जो ग्रीस के एक प्राइवेट आइलैंड में है, लेकिन सारे इनवाइटेड लोग कुछ न कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ये हमें समझ आता है। धीरे धीरे हमको पता चलता है कि किसी को भी अरबपति माइल्स पसंद नहीं है और सारे फ्रेंड्स उसको दोस्त सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे और पावर की वजह से बोलते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उसकी कठपुतली भी है। जेटी से आइलैंड पहुंचकर सबको माइल्स का आलीशान घर देखने को मिलता है जिसके ऊपर एक बड़ा ग्लास का स्ट्रक्चर बना है ग्लास अनियन की तरह। सब खुश होते हैं। हमें पता चलता है कि ग्लास अनियन एक्चुअली एक दूसरे शहर में एक बार का नाम था जहां पर ये सारे दोस्त पहले मिले थे और रेगुलरली पार्टी किया करते थे। वो नाम से इंस्पायर होकर अरबपति माइल्स ने ये शानदार सच का ग्लास अनियन अपने आइलैंड पे बनाया है। फिल्म में आगे माइल्स गेम्स के रूल बताता है और उसका नकली मर्डर होगा और कैसे उनको सुराग ढूंढने होंगे ये बता रहे हैं, जब डेनियल क्रेग बोलते हैं कि तुम्हारा असली में मर्डर होगा और तभी एक मर्डर अटेम्प्ट उसके ऊपर होता भी है। सब शॉक्ड हैं जब एक और मर्डर होता है। ये मर्डर्स किसने किए हैं, कौन कर रहा है, बेनोइट ब्लैंक को किसने इन्विटेशन भेजा है, क्यों भेजा है, और जैसे प्याज यानी अनियन के लेयर्स होते हैं वैसे ही ये मिस्ट्री के लेयर्स डिटेक्टिव बेनोइट ब्लैंक पील करने लगते हैं। कैसे, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी नेटफ्लिक्स में। हम आपका मजाक खराब नहीं करेंगे और एक बात की गारंटी देते हैं कि लेयर्स जब पील हो रही होंगी तो आपको रोना नहीं मजा आ रहा होगा। टेक्निकल्स में फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं रियान जॉनसन, जिन्होंने अपनी नाइव्स आउट के बाद एक वर्दी सीक्वल बनाई है और वो कितने बेहतरीन डायरेक्टर हैं ये आप उनकी फिल्म में देखेंगे। हर कैरेक्टर और उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का अंदाज एक क्लू की तरह दर्शाते हैं। फैंटास्टिक। फिल्म को प्रोड्यूस किया है रैम बर्गमैन ने और खुद रियान जॉनसन ने। ओवरऑल फिल्म ग्रिपिंग है, कास्ट अच्छी है, फनी मोमेंट्स भी हैं और ग्लैमरस भी। फिल्म की मिस्ट्री इंटेंशनली पहले फिल्म जितनी इंटेलिजेंट नहीं रखी है, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। फिल्म में सारे एक्टर्स ने काफी अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली एडवर्ड नॉर्टन ने, जेनेली मोने ने और हमारे जेम्स बॉन्ड डेनियल क्रेग ने। ऐसा लगता है कि जहां हम घिसी पिटी मर्डर मिस्ट्रीज देखकर थक चुके हैं, वहां नाइव्स आउट की ये फिल्म सीरीज ने इस जेनर को रिवाइव कर दिया है। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, वी वुड रिकमेंड कि जरूर देखिए। सो वेल फ्रेंड्स, ये था ग्लास अनियन अ नाइव्स आउट फिल्म का रिव्यू आपके लिए। कहना है कुछ तो कमेंट्स में लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल स्मैश करना, और नहीं करने का मूड हो तो गरीबों को 11 बनाना यानी 11 केले अपनी तरफ से खिला दीजिए। रिव्यू को अच्छी फिल्म और मिस्ट्री बाज दोस्तों के साथ शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, स्टार्ट।